Good morning, students. Today we are going to continue with the same lesson, the ostrich and the hedgehog. As in the earlier lectures, I already gave you the explanation and the introduction of this story. Today I am going to give you the explained worksheets and some worksheets to explain. Here on page number 21, on the basis of your reading the story, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जो कि स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ उसकी बेसिस पे आपको इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है. एज आपने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी होगी, ये स्टोरी पढ़ी है, तो उसकी बेसिस पे आपको इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है. लाइक वन ब्यूटीफुल मॉर्निंग अ हेजहॉग मेट एन हेजहॉग. एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग पे हेजहॉग ने किसको मिला था? वो ऑस्ट्रिच को मिला था. द ऑस्ट्रिच डिड नॉट ग्रीट द हेजहॉग बिकॉज ही वॉज ऑस्ट्रिच ने हेजहॉग को ग्रीट बैक नहीं किया था. क्योंकि जब हेजहॉग ने ग्रीट किया था गुड मॉर्निंग, तो ऑस्ट्रिच ने उसको ग्रीट बैक नहीं किया बिकॉज वो ग्रम्पी था, वो प्राउड था. ही वॉज ग्रम्पी. ग्रम्पी मीन्स चिड़चिड़ा सा इंसान, खुद में ही एक अकड़ में रहने वाला इंसान था. वो अकड़ में रहने वाला इंसान था, एक घमंडी था, तो उसने उसको ग्रीट बैक नहीं किया था. ही वॉज ग्रम्पी और ही वॉज प्राउड. थर्ड, इट वॉज डिसाइडेड टू रन द रेस एट मिड डे बिकॉज मिड डे को रेस जो थी वो डिसाइड क्यों हुआ था कि ये मिड डे को होगी, अभी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि द हेजहॉग वांटेड टू टेक ब्रेकफास्ट. जो हेजहॉग था वो ब्रेकफास्ट करके नहीं आया था, वो भूखा था, तो उसने बोला था कि मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद मिड डे में आते हैं और रेस करते हैं. और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो प्लानिंग करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि ऑस्ट्रिच बहुत फास्ट है और वो उसे जीत नहीं सकता, और उसे प्लानिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए था. Every time the ostrich reached the end of the barley row, he found a hedgehog already waiting there. The hedgehogs at the end of barley row were actually the original hedgehogs family members. जो भी barley की field थी वहीं पर race होनी थी. ये है barley field, ये row जो बनी हुई है यहाँ पर hedgehogs already यहाँ पर जो हैं वो exist कर रहे हैं. जबकि जो मेन हेजहॉग है वो ये है, लेकिन ये हेजहॉग जिनको इस हेजहॉग ने खड़ा किया हुआ था रो के एंड में, ये वाले जो हेजहॉग्स हैं ये इसके रिलेटिव्स थे, यानी फैमिली मेंबर्स थे. द लास्ट हेजहॉग वॉज फ्रेश एंड स्माइलिंग बिकॉज जो लास्ट हेजहॉग था वो बड़ा ही स्माइलिंग और फ्रेश दिख रहा था, जबकि ऑस्ट्रिच जो था वो बहुत ही थक गया था. उसके सोर फीट हो गए थे, यानी कि उनको पेनफुल, उसके जो फीट थे उनमें दर्द शुरू हो गई थी. लेकिन जो हेजहॉग था वो बड़े स्माइलिंग और फ्रेश दिख रहा था बिकॉज ही डिड नॉट रन द रेस. उसने तो रेस दौड़ी ही नहीं थी, वो तो उसके फैमिली मेंबर्स थे जो कि फ्रेशली वहाँ पे खड़े हो जाते थे जाके. ऑन द अदर हैंड द ऑस्ट्रिच वॉज टायर्ड एंड हैड सोर फीट बिकॉज ही रन द रेस सेवरल टाइम्स. दूसरी तरफ क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिच जो था उसके पाँव में पेन थी, सोर फीट थे. क्यों? क्योंकि उसने रेस जो है वो बहुत बार दौड़ी थी, यानी कि उसने रेस में पार्टिसिपेशन जो है वो ऑनेस्टली किया था, तो इसीलिए उसको पाँव में दर्द हो गई थी. नेक्स्ट, द स्टोरी ब्रिंग्स आउट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑस्ट्रिच एंड द हेजहॉग. ड्रॉ लाइंस टू मैच देयर क्वालिटीज. यहाँ पे कुछ क्वालिटीज या कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं. आपको इस स्टोरी में पता भी चला है कि ऑस्ट्रिच में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं, एंड हेजहॉग में क्या हैं. तो अब भी यहाँ पे कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स, आपको उनसे मैच करना है. प्राउड कौन था, घमंडी कौन था? ऑस्ट्रिच. फुलिश भी ऑस्ट्रिच था, क्योंकि हेजहॉग ने उसको बड़ी ही क्लेवरनेस से हरा दिया था, तो वो फुलिश हुआ. क्लेवर कौन था? ऑब्वियसली हेजहॉग, बिकॉज इसने हरा दिया था इसको क्लेवरनेस से. फास्ट कौन है? ऑस्ट्रिच, नो डाउट. चेयरफुल, बहुत ही चेयरफुल वे में गुड मॉर्निंग किया था हेजहॉग ने ऑस्ट्रिच को. ही इज चेयरफुल. सल्की मीन्स अपने आप में ही रहने वाला, वो कौन है? ऑस्ट्रिच. सल्की इज ऑस्ट्रिच. सो नेक्स्ट पेज, राइट बिलो द क्वालिटीज अलॉन्ग विद सेंटेंसेज फ्रॉम द टेक्स्ट दैट प्रूव दैट द हेजहॉग एंड द ऑस्ट्रिच पोजेस दीज क्वालिटीज. यहाँ से आपको क्वालिटीज लेनी है और इन दोनों कॉलम्स में फिल करनी है, और कुछ एक ऐसा सेंटेंस इनमें लिखना है. इनके साथ साथ क्वालिटीज के साथ साथ एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जो कि ये दर्शाते हों, जो ये बताते हों, जो एक्सप्लेन करते हों कि ये क्वालिटी जो है इनसे बिलोंग करती है. जैसे ऑस्ट्रिच की क्वालिटी है फास्ट. He took long strides and soon reached the end of the row. Foolish tha. He could not know how he had been beaten by the hedgehog. Usko kabhi pata nahi chala ki wo kaise haraya gaya hedgehog se.
ठीक है, फुलिश था, मूर्ख था, प्राउड, ही लुक डाउन एट द हेजहॉग, प्राउड था, घमंडी था वो, उसने हेजहॉग को अपने सामने कुछ भी नहीं समझा, बहुत ही छोटा समझा और एंड में उसे हार का सामना करना पड़ा। हेजहॉग में क्या क्वालिटीज थी या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, क्लेवर था, वेरी क्लेवरली ही बीट द ऑस्ट्रिच ऑब्वियसली, चीयरफुल, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू द ऑस्ट्रिच इन अ चीयरफुल वॉइस। नेक्स्ट, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग, अ सीरियल प्लांट, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग, ये वर्ड्स दिए गए हैं जो कि सेम टू सेम इनका मीनिंग रहता है, वैसे वर्ड्स हमें कहाँ से चूज करने हैं फ्रॉम द स्टोरी और हमें यहाँ लिखने हैं। जैसे सीरियल प्लांट, कौन सा सीरियल प्लांट की यहाँ पे बात हुई है स्टोरी में, बार्ले, बॉर्डर एंड, शॉर्ट एंड थिक, स्टम्पी, स्टम्पी लेग कौन था, हेजहॉग था, यानी कि जिसकी शॉर्ट और मोटी टांगे थी। नून, नून टाइम क्या होता है, मिड डे, लॉन्ग स्टेप्स, नून में ही उन्होंने जो था जिसको मिड डे भी कहते हैं रेस रन करने का डिसाइड किया था, लॉन्ग स्टेप्स, स्ट्राइड्स, पेन फ्रॉम इंजरी, सोर, यूज द अबव वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाले वर्ड्स, इन वर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है फिल ब्लैंक्स को फिल करने में। द बेबी स्लीप्स फ्रॉम मिड डे, बेबी स्लीप्स फ्रॉम मिड डे टू इवनिंग, द बॉय वॉज स्टैंडिंग एट द, कहाँ कहाँ खड़ा होगा, बॉय वॉज स्टैंडिंग एट द डैश ऑफ द माउंटेन, सो पेन में खड़ा है, नो, लंबी जो है वो लॉन्ग स्टेप्स में खड़ा है, नहीं, मिड डे में खड़ा है, नो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड ऑफ द माउंटेन, या फिर आप लिख सकते हैं बॉर्डर ऑफ द माउंटेन। रवि सा आ डैश फील्ड इन द विलेज, अब हमें यहाँ से फील्ड में लेना, और फील्ड में क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ बार्ले ही होता है, बार्ले फील्ड इन द विलेज, आफ्टर द फाइट द बॉक्सर हैड सोर मसल्स, फाइट लड़ी बॉक्सर ने और उसको पेन हो गई है, ठीक है, द जायंट टुक लॉन्ग स्ट्राइड्स टू कैच द नॉटी वॉफ, यानी कि जायंट होता है बहुत बड़ा इंसान या बहुत बड़ा एनिमल या बहुत बड़ा कुछ, वो क्या कर रहा है, लंबे लंबे जो है वो स्टेप्स ले रहा है ताकि वो नॉटी डॉफ को, नॉटी वॉफ को कैच कर सके। ये क्या होता है, इसका मतलब रहता है वॉफ का बोना, यानी कि छोटा, बहुत ही छोटा, उसको बोलते हैं वॉफ। तो हेयर टुडे आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर, इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।